गाइस वेलकम बैक आज मैं आपको बताऊंगी हुई डिफरेंट तरीके से आईलाइनर और काजल कैसे लगा सकते हैं इफ यू ऑल वांट टू नो प्लीज कीप ऑन वाचिंग सबसे पहले आपको देखना है कि आपका आई शेप कैसा है अगर हुडेड है छोटा है तब आपको किस टाइप का काजल या आईलाइनर लगाना चाहिए जिससे कि आपका आईज बड़ा लगे सबसे पहला हैक मैं आपसे सजेस्ट करूंगी गो फॉर ब्राउन काजल और यू कैन गो फॉर ब्राउन आईब्रो ब्रो पेंसिल मैंने यहाँ कलरबा का आईब्रो पेंसिल यूज़ किया है जो कि काजल का बहुत अच्छा काम करता है आपको करना क्या है अपने वाटर लाइन से थोड़ा सा नीचे हल्का करके ब्राउन पेंसिल को लगा लीजिए उसके बाद आप फिंगर के हेल्प से इसको ब्लेंड कर लीजिएगा आप देखोगे इंस्टेंटली आपका जो आइज़ है बड़ा दिखने लगेगा ये स्टाइल सबसे ईजी है और बिगनर फ्रेंडली है जो लोग कॉलेज जा रहे हैं ऑफिस जा रहे हैं आप चाहे तो विद इन अ सेकेंड ये लुक क्रिएट कर सकते हो हल्का सा ब्राउन काजल लगाओ उसको स्मच कर लो एंड यू आर गुड टू गो सो एगो ट्राई जरूर करिएगा फॉर नेक्स्ट टाइल आपको करना है कि अगर आपको थोड़ा स्मोकआउट इफेक्ट चाहिए अगर आपको कोई पार्टी में जाना है लाइक ऑफिस पार्टी है या कॉलेज पार्टी है आप सेम ब्राउन काजल को अपने अपर लिट पर अच्छे से लगा लीजिए मोटा करके लगा लीजिए जैसे कि मैं यहाँ लगा रही हूँ इट्स वेरी ईजी गाइज अगर आपको आई मेकअप वगैरह ज़्यादा नहीं करना है आप इस टाइप का लुक क्रिएट कर लो जैसे कि आँख बड़ा भी दिखे और यू नो अट्रैक्टिव भी लगे फिर मैंने क्या किया है एक एंगल ब्रश में थोड़ा सा ब्राउन शेडो ले लिया है और अपने अपर आई लैशेज़ में जाकर उसको स्मच कर दिया है वेरी वेरी क्लोज टू माई लैशेज़ ज़्यादा मोटा मत करिएगा अगर आप मोटा स्मच करने जाओगे तो आपका आइज उतना छोटा लगेगा जितना आप लैश के क्लोज स्मच करोगे उतना आइज़ बड़ा दिखेगा जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो ओके फॉर माई नेक्स्ट स्टाइल मैंने यहाँ पे अपना काजल ले लिया है द वन विच आई एम यूजिंग इज फ्रॉम ब्लू हेवन आप कोई भी ब्रांड ट्राई कर सकते हो और अपने अपर लेट पर अच्छे से इसको लगा लिया थोड़ा मोटा करके उसके बाद आप क्या कर सकते है? कोई भी ब्रश लेके या फिंगर के हेल्प से उसको स्मच कर दो आपको एक्स्ट्रा प्रोडक्ट नहीं लेना है जो काजल आप लगाओगे उसके ऊपर ही आप ब्रश को मूव करोगे ना तो वो स्मच हो जाएगा ऑटोमेटिकली आपको एक्स्ट्रा यू नो ब्लैक कलर का शेडो लेने का ज़रूरत नहीं है एक स्मोकी इफेक्ट आ जाएगा तो ये बिगनर्स लोग आराम से ट्राई कर सकते हो बहुत ही इजी है और आप देखोगे आईज़ ना बहुत अच्छा शेप में आ जाता है उसके बाद आप चाहे तो अपने काजल को अपने वाटर लाइन में जाके हल्का से लगा सकते हो लाइक वेरी वेरी थिन लाइन आपको बनाना है मोटा नहीं लगाना है जितना पतला आप लगाओगे उतना आइज आपका बड़ा दिखेगा और उतना ही अट्रैक्टिव लगेगा फिर मैंने अपना वाइट पेंसिल लिया है और अपने इनर कॉर्नर्स को और ब्राउ बोन को अच्छे से हाईलाइट कर दिया है ट्राई दिस गाइज इससे ना आइज़ आपका बहुत अच्छा दिखेगा बड़ा दिखेगा और होडेड आइज़ कर तो ये बहुत ही अच्छा है इनफैक्ट ये कोई भी यू नो आई शेप ट्राई कर सकता है फॉर मैं नेक्स्ट स्टाइल आपको लेना है आई लाइनर मैंने आप मेबलिन का आई लाइनर लिया है होट ए डाइज आप जो भी आई लाइनर ब्रश यूज़ करो मेकश्योर sure वो एकदम पतला हो तभी प्रसाइज लगेगा आपको करना क्या है एकदम एंड में जाके सेवेंटी डिग्री पे छोटा सा विंग ड्रॉ करना है और फिर उसको अंदर की ओर आप पुल कर लीजिएगा जो भी विंग आप बनाओगे मेकश्योर sure छोटा होना चाहिए ज़्यादा बड़ा विंग आप बनाने जाओगे तो आइज छोटा दिखने लगेगा आपको जितना छोटा आपका विंग होगा उतना बड़ा आपका आइज लगेगा फिर मैंने क्या किया वेरी वेरी क्लोज टू माई लैशेज मैंने आई लाइनर को ड्रॉ किया है ज़्यादा मोटा मत बनाइएगा मैं ये बात बार बार बोल रही हूँ जिनका आइज हुडेड है या छोटा है ना आप ज़्यादा मोटा बोल्ड आई मत लगाइएगा या विंग ज़्यादा बड़ा मत बनाइएगा नहीं तो आइज ऑटोमेटिकली आपका छोटा ही दिखेगा सो so, जितना पतला और छोटा विंग आप बनाओगे उतना आपका आईज़ बड़ा दिखेगा फिर मैंने क्या किया अपने इनर कॉर्नर में भी हल्का सा लाइनर को यू नो ड्रॉ कर दिया ताकि एक कैट आई इफेक्ट आए ये काफी अच्छा लगता है आईज पे ओके फॉर माय नेक्स्ट स्टाइल मैं यहाँ यूज करूंगी ब्लैक कलर का आई शेडो और मैं क्रिएट करूँगी यहाँ पे रिवर्स लाइनर जो कि सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है होडेड आइस पे या जिनके आइस छोटे हैं आपको करना क्या है एक एंगल ब्रश लेना है और शेडो ले लो उस पर फिर आप अपने वाटर लाइन के थोड़ा सा नीचे जाके अपना शेडो लगा लीजिए जैसे कि मैं यहाँ लगा रही हूँ आप देख सकते हो वाटर लाइन पर ज़्यादा काजल या शेडो मत लगाइएगा उसे थोड़ा नीचे जाके लगाओगे तो आइज़ ऑटोमेटिकली बड़ा दिखने लगेगा फिर आप साइड से ऐसे पुल करके अपना विंग क्रिएट कर लेना जस्ट आपको शेडो को बाहर की ओर पुल करना है दैट्स इट रिवर्स लाइन अभी काफ़ी ज़्यादा फैशन में है तो अगर आप काजल से नहीं ड्रॉ कर पाते हो आप शाडो का इस्तेमाल करो आप देखो कि बहुत अच्छा क्रिएट हो जाएगा रिवर्स लाइन ओके फॉर माई नेक्स्ट हैक यहाँ पे हम लोग स्मोक आउट करेंगे जस्ट द आउट ऑफ कॉर्नरस आपको करना क्या है काजल को अपने अपर लेड और लोअर लेड पे हल्का करके लगा लेना है और फिंगर के से आप ब्लेंड कर लो आप चाहे तो ब्रश भी यूज़ कर सकते हो कोई भी छोटा पतला ब्लेंडिंग ब्रश बट मैंने यहाँ पे बहुत ईजी रखा है लुक और बिगनअ फ्रेंडली रखा है ताकि कोई भी कर सके अगर आपके पास मेकअप टूल नहीं है आप अपने फिंगर से भी चाहे तो अपने काजल को शेडोज को यू नो ब्लैंड कर सकते हो अगर आप ब्रश यूज़ करते हो तो उसमें थोड़ा सा ब्राउन शेडो लेके अगर आप स्मोक आउट करोगे वो भी काफ़ी अच्छा लगता है आप देख सकते हो यहाँ पे फाइनल रिजल्ट आइस कितना बड़ा बड़ा लग रहा है ओके फॉर मई नेक्स्ट स्टाइल जिन लोगों को बहुत ज़्यादा विंग लाइनर पसंद है आपको करना क्या है जस्ट अपने आउटर कॉर्नर्स में जाके आप पतला सा विंग यू नो ड्रॉ कर लो बहुत ज़्यादा लंबा मत जाना जस्ट मिडल तक जाना और फिर आप अपने लाइनर को अपने आईब्रो के आर्च तक लेके आइएगा ज्यादा अंदर लाइनर नहीं जाना चाहिए मैंने यहाँ जो आईलाइनर यूज किया है दिस इज फ्रॉम ब्लैक में ये बहुत ही पतला ब्रश है तो बहुत अच्छा मुझे शेप मिल जाता है और आप देख सकते हो कितना ब्यूटीफुल लगता है ये विंग लाइनर ओके फॉर माई लास्ट स्टाइल हम लोग यहाँ क्रिएट करेंगे कुछ नॉर्थ इंडियन स्टाइल लाइनर आप देखोगे अक्सर जो चाइनीज लोग रहते हैं नॉर्थ इंडियन लोग रहते हैं ना उन लोग का जो विंग रहता है वो एकदम एंड से वो लोग नहीं शुरू करते हैं उसके थोड़े ही पहले वो लोग लो एक यू नो सेवेंटी डिग्री पे छोटा विंग बनाते हैं और अंदर के उसको पुल कर लेते हैं उनसे उनका जो आइज़ है वो बड़ा बड़ा दिखता है तो मैंने भी वही क्रिएट किया है इसके बाद आप अपने लोअर वाटर लाइन में वाइट कलर का काजल लगा लीजिएगा एंड वॉ ला यूर डन इसमें से कोई भी विंग लाइनर आप ट्राई करोगे ना गाइस बहुत अच्छा लगेगा जिनके आइस छोटे हैं होडेड है मेरा भी एक आईस छोटा है तो मैं ट्राई करती रहती हूँ कुछ ना कुछ सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे गाइस आई होप आपको काफ़ी हेल्पफुल रहा हो मेरा ये वीडियो अगर आप कोई भी लाइनर लुक ट्राई करोगे डू टैग मी ऑन इंस्टाग्राम थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एल सी यू सोन बाय